गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को असाइनमेंट 5.2 के बारे में पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को असाइनमेंट 5.3 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। असाइनमेंट 5.3 पढ़ाने से पहले आप लोगों को हम कुछ एग्जांपल और कुछ रूल्स बताने वाले हैं, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट 5.3 बनाने और समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत और असुविधा ना हो सके। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगल क्या होता है। तो ठीक है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। देखिए यहाँ पे दो रे है, देखिए OA एक रे है और एक OB है। सेम, देखिए सेम इनिशियल पॉइंट जो O है इससे बना होगा, देखिए ये जो बन रहा है वो एंगल हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया वॉर्टेक्स हो गया, ये दोनों आर्म्स हैं, ठीक है। देखिए द टू रे फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड ऑफ द एंगल। हम लोग जिसको, देखिए ये जो आर्म्स है या हम लोग ये जो रे है ना, इसको आर्म्स भी कहते हैं और इसको हम लोग साइड भी कह सकते हैं ऑफ द एंगल, ठीक है। द कॉमन एंड पॉइंट इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो कॉमन एंड पॉइंट है, जो OA का रे OA और OB का कॉमन एंड पॉइंट O है, O को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अब हम लोग 14 को देखते हैं। नेम ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल इन फोर डिफरेंट वे। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर जो है, देखिए जेड वाई एक्स दिया है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए इसको फोर, हम लोग को क्या करना है, फोर डिफरेंस वे से हम लोग को एंगल को दिखलाना है। तो सॉल्यूशन वन, देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं एंगल एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी चल सकते हैं एंगल जेड वाई एक्स, उसके बाद वाई पे ही ना एंगल बना है तो वाई एंगल वाई और फोर एंगल फोर भी कह सकते हैं। सेकेंड वाले को देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एन एल एम से एंगल बना है, तो हम लोग इसको फोर डिफरेंस वे से एंगल को दिखलाना है। तो कैसे दिखलाएंगे, तो एंगल, देखिए एंगल एम एल एन हो गया, अब हम लोग चलेंगे एंगल एन एल एम, एंगल एल एम, देखिए एंगल एन एल एम हो गया, उसके बाद एंगल एल हो जाएगा और एंगल सेवन भी कह सकते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर फिगर को देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल डी एफ ई, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए एंगल डी एफ ई हो गया, उसके बाद एक उल्टा चलेंगे तो एंगल ई एफ डी हो जाएगा, एंगल एफ भी कह सकते हैं, उसके बाद आप लोग ये भी कह सकते हैं एंगल थ्री हो गया। फोर नंबर क्वेश्चन को, फोर नंबर, देखिए फोर नंबर जो है, जो एग्जाम्पल नंबर 14 का फोर नंबर जो है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं एंगल जी एफ ई, देखिए जी एफ ई हो गया, उसके बाद एंगल ई एफ जी भी हो गया, एंगल एफ भी कह सकते हैं और एंगल ए, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 15 को देखिए, इन द फ्लोइंग फिगर नेम द एंगल्स इंडिकेट, ठीक है, इंडिकेटेड बाय यूजिंग थ्री लेटर्स फॉर ईच एंगल। देखिए वन नंबर, एंगल वन को दिखलाना, एंगल टू को दिखलाना, एंगल थ्री को, अब बाकी जो है फोर फाइव और सिक्स जो है वो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन वन, एंगल वन, तो देखिए एंगल वन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस एंगल को दिखलाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी ए डी, एंगल बी ए डी हो गया, और इसको कह सकते हैं हम लोग एंगल सी ए बी भी कह सकते हैं, उसके बाद देखिए एंगल बी ए डी भी कह सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कह सकते हैं एंगल, देखिए डी ए बी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं टू नंबर, ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 15 का टू, ठीक है, तो हम लोग को एंगल टू को दिखलाना है, तो एंगल टू को दिखलाना है, तो हम लोग कैसे चलेंगे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी हो गया, एक बार चलेंगे एंगल बी सी ए, तो ये हो गया बी सी ए, अब चलेंगे एंगल डी सी बी, ऐसे भी चल सकते हैं,
एंगल डी सी बी हो गया, अब एंगल ऐसे चलेंगे बी सी डी भी चलेंगे, तो फोर डिफरेंस वैसे हो गया। यहाँ पे हम लोगों को थ्री बतलाना था, ठीक है। देखिए इन द फ्लोइंग फिगर नेम द एंगल्स इंडिकेटेड बाय यूजिंग द थ्री लेटर्स फॉर इच, थ्री बतलाना था, हम लोग फोर भी निकाल सकते हैं, जितना हो सकता है उतना हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एंगल थ्री को निकालना है, तो एंगल थ्री तो एक तो ही वही हो गया, और दूसरा हम लोग निकाल देना है। देखिए एंगल थ्री को इंडिकेट करने के लिए एंगल सी बी डी चलेंगे, तो सी बी डी हो गया, और एक चलेंगे एंगल देखिए डी बी और सी, और एंगल सी एंगल जो है यहाँ पे देखिए डी बी और सी हो गया, और एंगल थ्री तो एक है ही खुद का, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16 को देखिए। फ्रॉम द फिगर द पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है, पी आर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 16 का ए ऑप्शन दिया है आर जी, बी दिया है एम जी, और सी दिया है जी एस, और डी दिया है जी टी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर हो तो वो क्या होता है, अंदर जो होता है, एक्सटीरियर बोलता है तो जो बाहर रहता है, ऑन द बाउंड्री बोलता है तो जो बाउंड्री पे होता है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, इंटीरियर। तो देखिए अंदर क्या है, तो जी एस है, तो जी एस किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो द पॉइंट इन द इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एंगल पी आर जी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 17 को देखिए। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फ्लोइंग फिगर, तो यहाँ पे देखिए ये फिगर जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, और ऑप्शन नंबर डी 6 दिया है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6, जैसे देख लीजिए एंगल पहले इधर से चलते हैं, एंगल बी ए सी एक बन गया, उसके बाद चलेंगे देखिए सी ए डी, ये वाला 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे चलेंगे डी ए ई 3 हो गया, अब चलेंगे उसके बाद देखिए ई ए एंगल ई ए सी, ये वाला बड़ा वाला, तो ये हो गया हम लोग का 4। उसके बाद एक ऐसे चलेंगे तो एंगल डी ए बी, तो डी ए बी हो गया एक डी ए, और ये वाला बी, इतना बड़ा वाला डी ए बी एंगल हो गया, और एक हम लोग का पूरा बड़ा वाला है ई एंगल ई ए बी, ठीक है। तो हम लोग का कितना एंगल बना, तो 6 बना, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब असाइनमेंट 5.3 क्वेश्चन को देखिए। देखिए असाइनमेंट, अब हम लोग असाइनमेंट 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में क्या दिया है, ए फिगर फॉर्म्ड बाय द टू रे विथ ए कॉमन इनिशियल पॉइंट इज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये फिगर फॉर्मेड बाय द टू रे विथ ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है लाइन सेगमेंट रे, बी में दिया है रे, और सी में दिया है लाइन, और एंगल किस में दिया है, तो डी में। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। एन एंगल क्यू पी आर इज रिटेन एज एंगल पी, इट कैन बी ऑल्सो बी नेम एज ए नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है एंगल पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर बी दिया है एंगल पी आर क्यू, ऑप्शन नंबर सी दिया है एंगल पी आर पी क्यू, और ऑप्शन नंबर डी दिया है एंगल आर क्यू पी। तो देखिए यहाँ पे एंगल हम लोग को पी को दिखलाना है, इसका मतलब पी वाला जो वैल्यू होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इसमें पी बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्यू एंगल को शो करा रहा है, ये आर को दिखला रहा है, ये जो है एंगल पी को दिखला रहा है, यहाँ पे भी
ये क्यू को दिखलाना है, तो हम लोग को एंगल पी दिखलाना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये जो फिगर दिया है देखिए पी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए इन द गिवन फिगर नेम द थ्री रे, तो देखिए थ्री रे बताना है, तो देखिए पी ए हो जाएगा फर्स्ट, पी बी हो जाएगा और पी सी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, नेम द थ्री एंगल्स, एंगल्स बतलाना है, तो एंगल ए पी बी हो जाएगा, एंगल बी पी सी हो जाएगा, एंगल ए पी सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द एंगल इंडिकेटेड बाय यूजिंग द, ठीक है, थ्री लेटर्स फॉर ईच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस फिगर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अगर इस फिगर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा तो इस एंगल का आप लोग नेम बता सकते हैं कि कौन सा नेम होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए एंगल नाइन, तो हम लोग देखेंगे कि एंगल नाइन हम लोग को यहाँ पे आ रहा है, तो एंगल नाइन के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए एंगल नाइन के लिए हम लोग एंगल एफ जी और एच को लिखेंगे, एंगल एफ जी एच, उसकी बीच में इनर लाइन है तो एंगल नाइन को इंडिकेट करेगा। और देखिए एंगल फाइव को इंडिकेट कराना है तो एंगल फाइव यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे देखिए एंगल ई सी डी, ई सी डी से चले। अब देखिए थर्ड नंबर एंगल 11 को दिखलाना है, तो इस फिगर में एंगल 11 यहाँ पे है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे बी ए जी। ठीक है, तो एंगल बी ए जी, थ्री एंगल थ्री को दिखलाना है तो हम लोग चलेंगे देखिए एच बी डी, एच बी डी। अब एंगल फोर को दिखलाना है तो देखिए ई एच डी, तो एंगल फोर आ जाएगा। ठीक है, एंगल सेवन को इंडिकेट कराना है तो एंगल सेवन यहाँ पे है, तो हम लोग चलेंगे देखिए जी एफ ई, तो ये देखिए एंगल आपका आ गया सेवन। अब देखिए एंगल वन को दिखलाना है तो यहाँ पे है, तो एंगल वन को दिखलाने के लिए ए बी और जी लिख देंगे, एंगल ए बी जी। एंगल टेन को दिखलाना है तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एफ ए और जी ले लेंगे, एफ ए जी, एफ ए जी, इसी के ना बीच में एंगल टेन है। ठीक है, आप चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द एंगल इन, ठीक है, एंगल इंडिकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे था ये वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी फिगर को आप लोग को अच्छे से देखना होगा। ठीक है, अब देखिए फोर का वन नंबर रूट क्या दिखलाना है, एंगल 16 को दिखलाना है, तो एंगल 16 हम लोग का कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है, तो एंगल 16 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ई ए एफ। ठीक है, तो एंगल ई ए एफ हो गया। फोर को दिखलाना है तो देखिए हम लोग का एंगल फोर किस कहाँ पे है, तो ये देखना होगा कि हम लोग का एंगल फोर हम लोग कहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो एंगल फोर यहाँ पे है, देखिए हम लोगों का एंगल फोर यहाँ पे है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ई एफ डी, तो देखिए एंगल ई एफ डी हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है, एंगल 12 को दिखलाना है, तो एंगल 12 हम लोग देखेंगे यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए एफ जी। देखिए ए एफ जी के अंदर ही ये क्या आ रहा है, एंगल 12 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एंगल 10 को इंडिकेट कराना है तो उसका नेम लिखना है, तो देखिए 10 हम लोग के यहाँ पे है, तो हम लोग चलेंगे जी बी सी, तो जी एंगल जी बी सी ही एंगल 10 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एंगल 1 पे आते हैं, तो एंगल 1 यहाँ पे है, तो इसको इंडिकेट कराने के लिए हम लोग चलेंगे ए ई और एफ, तो ये हो गया। अब देखिए एंगल 11 को हम लोग को इंडिकेट कराना यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग कैसे चलेंगे, तो देखिए जी सी और डी। ठीक है, अब चलिए एंगल 3 को हम लोग को दिखलाना, तो एंगल 3 यहाँ पे है, तो हम लोग ऐसे चलेंगे एफ ए और जी, तो उसके बीच में आ रहा है ना एंगल 3, तो एंगल 3 को इंडिकेट कराएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल 3 का नाम हो जाएगा एंगल
एफ ए जी। अब देखिए एट नंबर जो एंगल 15 को इंडिकेट कराना है, तो देखिए एंगल 15 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग करेंगे एफ डी सी, ठीक है, एंगल एफ डी सी। अब एंगल 7 को हम लोग को इंडिकेट कराना है, तो एंगल 7 यहाँ पे है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे बी जी और सी, तो ये हो गया। अब देखिए एंगल 2 को दिखलाना है हम लोग को, तो एंगल 2 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग कैसे चलेंगे, तो एंगल बी ए और जी, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंगल बी ए जी यहाँ पे हो गया, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर लिस्ट द पॉइंट व्हिच आर, ठीक है, 1 नंबर 6 का 1 इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एच आई जे। तो देखिए एंगल एच आई जे का क्या है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो बाहर क्या क्या बना रहा है, तो देखिए पी पॉइंट है, एस पॉइंट है और बी है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, पॉइंट पी एस बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एच आई जे, एच आई जे, ठीक है, तो इसका पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का, इसका देखिए इंटीरियर मतलब जो अंदर हो, तो एन हो जाएगा, एल हो जाएगा और टी हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर पे चलते हैं, ऑन एंगल एच आई जे, एच आई जे एंगल की, ठीक है, क्या है ऑन ऑन एन, ठीक है, एंगल एच आई जे, तो इसका मतलब देखिए जितने भी इस लाइन पे एंगल एच आई जे पे जितने भी पॉइंट होंगे सबको लिख देना है, जितने इस पॉइंट पे होंगे एंगल पे, ठीक है, तो हम लोग का देखिए इस एच भी मिल रहा है, एम मिल रहा है, आई मिल रहा है, उसके बाद क्यू मिल रहा है और जी मिल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट एच एम आई क्यू जे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर द लिस्ट द पॉइंट विच आर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल बी, बी के इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, तो देखिए अंदर क्या है, एच है, एन है, एल है, तो हम लोग लिख देंगे पॉइंट एच एन एंड एल हो जाएगा। अब देखिए इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी, तो बी का एक्सटीरियर क्या है, तो जी है, जे है, आर है, तो हम लोग लिख देंगे पॉइंट जी जे एंड आर। अब देखिए लेइंग ऑन एंगल बी, तो बी पे क्या मतलब एंगल बी पे बताना है, तो देखिए ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और एफ हो जाएगा, तो पॉइंट ए बी एंड एफ हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।